काफ़ी बच्चों की बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों की एडमिट कार्ड की क्वेरी आ रही है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। देखो यार, आप लोगों को एक चीज़ बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम जून में हैं। एनुअल मोड के फोर्थ सेमेस्टर के और सिक्स सेमेस्टर के बीकॉम प्रोग्राम एंड बीए प्रोग्राम के एग्ज़ाम जून में स्टार्ट हैं, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में बैठा लीजिए। बार बार बच्चे सवाल कर रहे हैं, सर मेरा 13 मई से एग्ज़ाम था, एडमिट कार्ड नहीं आया। प्लीज़ आप समझिए, आपके एग्ज़ाम जून में होंगे, जून में होंगे तो एडमिट कार्ड उसके अकॉर्डिंगली ही आएंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनके एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से लगभग 5 दिन पहले आए हैं, 5-6 दिन पहले आए हैं सिक्स सेमेस्टर के, और फोर्थ सेमेस्टर के आप कह सकते हो कोई 7-8 दिन, एक हफ्ते अप्रॉक्स पहले आए हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा पहले आए हैं, ठीक है, 7 दिन पहले आए हैं फोर्थ सेमेस्टर के प्रोग्राम, ये ऑनर्स कोर्सेज के। तो वही अगर हम कंपेयर करें इसको प्रोग्राम कोर्सेज से, तो आपके जो एडमिट कार्ड है, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, 25 मई के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी दिन आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। कब आ सकता है? 25 मई के बाद। तो आप लोग थोड़ा सा और वेट करें, इतना दिन आपने वेट करा, पेशेंस रखा, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको मालूम ही है कि बीए प्रोग्राम के जो बॉयज़ स्टूडेंट हैं उनकी स्किल इन्हांसमेंट की डेट चेंज हुई थी, जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही है। इन सब्जेक्ट्स की डेट चेंज हुई थी, स्किल इन्हांसमेंट की, सिर्फ बॉयज़ के लिए चेंज हुई है। इसके अलावा कोई भी चेंज डेट शीट में नहीं है, सेम एज इट इज डेट शीट है, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम इट, बहुत से बच्चे यार वही सवाल करते हैं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट दो हैं, कैसे दूँ पेपर में, दो पेपर एक दिन है। प्लीज़ आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एग्ज़ाम देना है तो वही फॉलो करिए। लाइक इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है तो पहले इकोनॉमिक्स का दोगे फिर पॉलिटिकल साइंस का दोगे, ठीक है। और इसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम वाले भी और बीए प्रोग्राम वाले भी हिंदी सब्जेक्ट को लेकर कंसर्न है एमआईएल के अंदर। वो कहते हैं सर फर्स्ट ईयर में मुझे हिंदी ए मिली थी, इस ईयर में हिंदी सी दे दी या हिंदी बी दे दी। तो देखो यार, बिल्कुल साफ साफ क्लियर शब्दों में मैं आपको पहले भी समझा चुका था और अभी भी बता रहा हूँ, आपके कोर्स सेक्शन में एमआईएल का हिंदी का कोई भी सब्जेक्ट शो हो रहा है फ़िलहाल, आपको वही सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है जो आपके पास फर्स्ट ईयर में था। अब वही सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने से मतलब ये नहीं है कि सेम फर्स्ट ईयर वाला सिलेबस पढ़ के बैठ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी ए पढ़ी है तो सेकेंड ईयर में भी हिंदी ए पढ़ोगे। ऑफ कोर्स यार सिलेबस दूसरा है सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अगर डैशबोर्ड में चेंज नहीं हो रहा, हिंदी बी दिखा रहा है या हिंदी सी दिखा रहा है, तो वो चेंज हो जाएगा एडमिट कार्ड आने के बाद, चेंज हो जाएगा, उससे पहले भी चेंज हो सकता है, उसकी चिंता आप लोग मत करिए, ठीक है। वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और हाँ, एग्ज़ामिनेशन सेंटर वगैरह सभी कुछ आपके एडमिट कार्ड पर ही लिखा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। आप लोगों ने इतना वेट किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो रेगुलर बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, अब रेगुलर वाले बच्चों के एग्ज़ाम मई में हो रहे हैं बीए और बीकॉम प्रोग्राम के, तो कंफ्यूज मत होना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से एग्ज़ामिनेशन पैटर्न का एक आइडिया हो जाए आपके लिए भी, तो उसके ऊपर वीडियोज़ बनाई जाए। थोड़ा सा धैर्य रखे, इतना सपोर्ट किया है, थोड़ा सा और सपोर्ट करिए। आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू वट इज़ गोइंग ऑन इन द यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू एडमिट कार्ड और एनी अदर थिंग्स विच यू नीड टू नो, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें हैं, और मास्टर्स का फॉर्म भर दीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का निकला हुआ है, 15 मई लास्ट डेट है। थैंक यू।